फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ, पार्थ द हंगर फॉर नॉलेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि एक वैक्यूम क्लीनर कैसे बनता है। फ्रेंड, उस वीडियो की लिंक आपको आई बटन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के एंड में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वैक्यूम क्लीनर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि वैक्यूम क्लीनर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। फ्रेंड्स, उस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि वैक्यूम क्लीनर को बनाते कैसे हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आप दोनों वीडियो देखिएगा। तो आओ फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम कंटेनर बनाते हैं। फ्रेंड्स, हमने ये फिल्टर बैग बनाया है। अब हम सपोर्टर बनाते हैं मोटर का। अब हम एक मोटर बनाते हैं। ये इसकी शाफ्ट। फ्रेंड्स, अब हम इसका फैन बना देते हैं। ये इसकी बैटरी और ये है इसका ऑन ऑफ स्विच। अब हम इसकी लेबलिंग कर देते हैं। फ्रेंड्स, हमने इनकी लेबलिंग कर दी है। यह बैटरी ऑन ऑफ स्विच, यह बोतल, यह एयर बैग, यह मोटर, यह फैन। फ्रेंड्स, अब हम कनेक्शन करते हैं। हम मोटर के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्रेंड्स, अब हम मोटर का नेगेटिव ऑन ऑफ स्विच से कनेक्ट कर देंगे और ऑन ऑफ स्विच को हम बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। अब हम जैसे ही ऑन ऑफ स्विच को ऑन करेंगे, हमारा फैन रोटेट करेगा। फ्रेंड्स, हमारा सर्किट तो कंप्लीट हो गया है, पर आओ फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि वैक्यूम क्लीनर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। पर फ्रेंड्स, आपको पता है कि वैक्यूम होता क्या है और फ्रेंड्स, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? फ्रेंड्स, प्रेशर ग्रेडियंट इज ए डिफरेंस ऑफ एयर प्रेशर बिटवीन टू प्लेसेस एंड वैक्यूम इज ए एयरलेस एरिया। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि वैक्यूम होता क्या है। फ्रेंड्स, ये हमारा पॉइंट वन और ये हमारा पॉइंट टू। फ्रेंड्स, ये है एयर प्रेशर वन और ये है एयर प्रेशर टू। फ्रेंड्स, प्रेशर ग्रेडियंट की डेफिनेशन कहती है कि प्रेशर ग्रेडियंट इज ए डिफरेंस ऑफ एयर प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स और प्लेसेस और ए एयरलेस एरिया। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, प्ले इन दोनों प्लेस का बीच का एरिया है, इसे वैक्यूम कहते हैं। एयरलेस एरिया बिटवीन टू प्लेसेस, उसे हम वैक्यूम कहते हैं। फ्रेंड्स, हमें वैक्यूम तो समझ में आ गया। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि हमारे वैक्यूम क्लीनर के वो दोनों पॉइंट्स कौन से हैं जिनके बीच में वैक्यूम क्रिएट होता है। फ्रेंड्स, ये तो है हमारी प्लेस वन और ये है हमारी प्लेस टू। फ्रेंड्स, प्लेस वन और प्लेस टू के एयर प्रेशर के डिफरेंस को वैक्यूम कहते हैं, यानी हमारा वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट होगा। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि हमारे बोतल के अंदर वैक्यूम कैसे क्रिएट होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्रेंड्स, ये हमारी मोटर है और ये प्रोपेलर। जैसे ही हम ऑन ऑफ स्विच से ऑन करते हैं, हमारी मोटर रोटेट करती है और हमारा प्रोपेलर पीछे से हवा सक करके आगे रिलीज कर देता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही ये बहुत माइक्रो सेकंड में होता है। हमारा फैन यहाँ की सारी हवा सक कर लेता है और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है।
फ्रेंड्स यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और फ्रेंड्स हमारे इनलेट पॉइंट है, यहाँ से एयर आती है और इसके साथ हमारा गार्बेज भी ले आती है फ्रेंड्स। और हमारे फिल्टर बैग एयर को तो पास कर देता है पर फ्रेंड्स हमारे गार्बेज को नहीं पास करता। तो फ्रेंड्स ऐसे हमारा वैक्यूम क्लीनर वर्क करता है। फ्रेंड्स हमारी मोटर पीछे से एयर सक करती है और आगे रिलीज कर देती है और फ्रेंड्स यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाती है तो हम एयर फिर से यहाँ से आती है, फिर ये साइकिल ऐसे चलती रहती है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि वैक्यूम किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने सीखा था कि वैक्यूम क्लीनर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फ्रेंड्स अभी आपको एक वीडियो दिख रही होगी जिसमें हमने एक वैक्यूम क्लीनर बनाया है। फ्रेंड्स आप इन दोनों वीडियो को एक साथ देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि वैक्यूम क्लीनर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और उसे कैसे बनाते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।